रोहित शर्मा सर थे। तो मैम जिम कितनी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ सिटीजन? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो मुझे लगता है समाज में जितने लोग जहाँ भी रहते हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है। जब हम गणपति या देवी जी का जब हम आगमन करते हैं तो क्या हम इनविटेशन देते हैं उनको बुलाने के लिए? सब लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, तो हम सभी का सभी की जिम्मेदारी, पूरे सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिसर को स्वच्छ रखें। क्योंकि आप जब मिलकर के ये जब काम करेंगे, आज बीएमसी ने भी देखिए रेगुलर ये लोग सफाई करते हैं, उनका साथ दीजिए, पूरा समाज इनका जब साथ देगा तो मुझे ये विश्वास है कि जो मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत, वो सब मिलकर के अगर हम करेंगे तो स्वच्छता बहुत हमारे परिसर में जल्दी से जल्दी आएगी। पर यहाँ पे जो एनएसएस है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, एनएसएस के भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी मैं बोलूँगी, यूथ है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सब सब आए और सब मिलकर के हमारा ये सफाई अभियान जो बोलते हैं, हमारे बीएमसी जो कर्मचारी हैं उनका साथ दीजिए। आज हमारे साथ में पीएस फाउंडेशन, आरएसआरआर, एसएमबीबी कमांडो और विद यू फाउंडेशन, जो कि रेगुलर यहाँ पर सफाई का अभियान करता है और हम जब भी सफाई सफाई करते हैं वो हमारा सहयोग करते हैं। तो उन सभी का हम धन्यवाद देते हैं आपकी तरफ से कि आप हमारे सभी जितने भी समाज में जो सफाई कर्मचारी हैं उनका साथ दीजिए। और पूरे साल ऐसा नहीं है कि जब त्यौहार आते हैं, पूरे साल सफाई का ध्यान दीजिए। सफाई रहेगी, स्वच्छता रहेगी तो आप स्वस्थ भी रहोगे, मानते हैं ना आप इस बात को? तो प्लीज आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा साथ दीजिए और पूरे साल सफाई का ध्यान रखिए। मैम स्पेशली जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स है, उनमें आप क्या एक अवेयरनेस का एक मैसेज देना चाहते हैं? उनकी तो सबसे, क्योंकि वो हमारा भविष्य है, भारत का भविष्य है, जितने भी यूथ हैं, कि अगर वो जैसे आगे बढ़ेंगे तो उनसे जो छोटे बच्चे हैं या जो उनसे बड़े भी हैं वो उनका भी साथ देंगे। और जो भी अगर वो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, जो स्वस्थ रहेंगे, जब सफाई रखेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। तो उनका सबका कर्तव्य बनता है कि स्वच्छता का ध्यान रखें और सब मिलकर के यूथ का खास करके आगे आए और समाज में ये सबका सहकार्य करें। क्या कहना चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें ही चाइल्डहुड से जो एज ए स्टूडेंट उनको इसकी टीचिंग देनी चाहिए? डेफिनेटली देनी चाहिए। सबसे पहली पहला गुरु तो माँ बाप होते हैं। माँ बाप ही अगर उनको बचपन से इसी शिक्षा दें तो आगे जाके उनको एक्स्ट्रा शिक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग सफाई रखें, क्लीनलीनेस रखें। अभी 10 दिन हम लोग देवी की पूजा करते हैं, 11वें दिन यहाँ विसर्जन करते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लाएं ताकि उनको अपने घर में ही डिस्पोज कर सकें। यहाँ वहाँ जो भी सफाई करने की बाद में ज़रूरत पड़ती है वो ना पड़े, और उसमें जो डिजोल्व होके मूर्तियाँ, जो खाद वगैरह बनेगा वो पेड़ों में डालें, गार्डन्स में डालें, तो पूरा इको सिस्टम इससे ठीक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है, बहुत अच्छी। मैम एक अवेयरनेस तो हमने यहाँ पे देखा कि आप जो यहाँ पर आप ग्राउंड पे उतरे, आप यहाँ पर जो क्लीन अप कर रहे थे मैम, तो जब यहाँ पर जो नेचुरल जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते, वो लोग भी आपको ज्वाइन किया मैम। जी जी, तो आपके द्वारा एक जो मुहिम छेड़ी गई है, तो आपको लगता है कैरी ऑन कैसे? बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि हम देखिए वहां से देखिए और करीब 10-15 मिनट में पूरी गोदरेज 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 से मैडम, हाँ गोदरेज 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 से करते करते और ये देखिए पूरा का पूरा जैसे साफ हुआ है। हमारे बीएमसी कर्मचारी भी हमारे साथ में है, पूरी हमारी टीम है, मैंने कहा 4 संस्था हमारे साथ में है। और जैसा जय प्रदीप सर ने अभी बोला कि कोशिश यही करिए कि इको फ्रेंडली मूर्तियों का आप सब बोले ना प्रण लीजिए कि जिससे कम से कम गंदगी होगी। और आपके जो बोलते हैं ना, जब वो खाद बनती है तो पेड़ों में उसका, जैसे बोलते हैं ना, आपके घर में ही वो पेड़ और ग्रो करेंगे, इस चीज का प्रण लीजिए। सफाई का फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मिलकर के साथ दीजिए। साथ दीजिए हाँ। और ऐसा ही नहीं कि बीच में ही जहाँ आप रहते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब आप घर में रहते हैं सफाई के साथ आप अगर खाते पीते और रहते हैं वहाँ पे, तो क्यों ना अपने परिसर को और अपने जो आसपास जितने, चाहे वो बीच हो चाहे सोसाइटी हो, उसको क्लीन करने का वादा करिए आप। ओके थैंक यू। पर सुबह सुबह उठ करके देवी जी के विसर्जन के टाइम पर हम लोग सब सफाई अभियान का यहाँ पे जो प्रोग्राम किया है, तहे दिल से मैं एसएमबीबी कमांडो पूरी टीम जो यहाँ पर आई है, हमारे साथ नईम सर हैं, हेमा, प्रीति, आरएसआरआर, आरएसआरआर से, और विद्यू फाउंडेशन जो स्पेशली रेगुलर यहाँ पे जो सफाई करते हैं बीच की, उनका साथ, पीएस फाउंडेशन की पूरी टीम को तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हेमा, प्रीति, प्लीज आप अपनी तरफ से बताइए, और छोटे, स्पेशली छोटे बच्चे जो सुबह उठ करके आज बीच पर आए और हमारा साथ दिया हम लोगों ने, थैंक यू सो मच एवरीवन, स्पेशली उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, उनकी मम्मियाँ, सबको धन्यवाद देते हैं हम।
अपॉर्चुनिटी दी है उनके साथ जुड़ के बीच को साफ करने की, एंड थैंक यू टू इवन बच्चे छोटे छोटे जो आज आए हैं, आई नो कि कल उनके एग्जाम्स हैं, बट देन टू दे हैव टेकन दैट इनिशिएटिव एंड दे हैव कम टू जॉइन फॉर दिस राइड एंड ड्राइव, एंड रियली हैट्स ऑफ टू देम एंड देयर पेरेंट्स ऑल्सो दैट दे हैव गिवन देम द अपॉर्चुनिटी एंड दे हैव लाइक गिवन द परमिशन ऑल्सो दैट दे कुड कम अर्ली इन द मॉर्निंग and do this drive. Thank you. Hema ji, aaj ka check karyakram hua, is karyakram ke bare mein batana chahiye aapko. एक्चुअली देखने जाओ तो हमने ये सेकेंड ड्राइव है हमारा, इसके पहले भी हमने बीच क्लीन अप ड्राइव रखा हुआ था और अच्छा लग रहा है कि लोगों के पास ये अवेयरनेस तो जा ही रही है. जब मैम का मैसेज गया सोशल मीडिया पे तो कुछ 500 लोगों का रिस्पॉन्स उस पर आया और बहुत लोग खुद से भी आए हुए हैं, इंडिविजुअल लेवल पे ही आए हैं. तो हम चाहते हैं कि इसको जो सफाई अभियान है ये तो अभी एक नॉर्मल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लोकल रेसिडेंट अपना अपनी जिम्मेदारी समझे और इस कार्यक्रम के लिए लेना अपनी सहायता दे. आज बीएमसी कर्मचारी यहाँ पे भी बहुत खुश हुए क्योंकि उनका उनको बहुत मदद मिली है और ऐसे मुझे लगता है ये एक अवेयरनेस जो है ये शुरुआत हुई है, ये कंटिन्यू सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हो सकती है. तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी पीएस फाउंडेशन की तरफ से, आर सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से, श्रेयास यहाँ पे है उनकी टीम की तरफ से और SMPP कमांडोज की तरफ से कि जो आप लोगों ने आज किया है ये बहुत लोगों तक पहुँचे और बहुत लोग हमसे जुड़े, हमसे ही नहीं और खुद से भी आए. और स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी विद यू फाउंडेशन मोंटी जी से जिन्होंने हमको गाइडेंस दिया और जिसके वजह से हमारा ये सेकेंड इवेंट भी हम सक्सेसफुली कर पाए. थैंक यू फिर से एक बार सभी का, थैंक यू सो मच. We thank PS Foundation for giving us the opportunity to clean up the beach. It is हमारी जिम्मेदारी ने कि मार्शल आर्ट से हमको खुद को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज करेक्ट, बट हमको सबसे पहले हमारी एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है. तो सब बच्चों को द कमिंग जनरेशन नॉट ओनली प्रोटेक्ट योर सेल्फ बट ऑल्सो द एनवायरमेंट. एंड मैम SMPP की तरफ से हमारी प्रेजेंस आपके फाउंडेशन के लिए फॉर एनीथिंग वी आर ऑलवेज देयर, आवर प्रेजेंस इज ऑलवेज अश्योर्ड. थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा.